ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹುಮ್ರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ತಾಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದೆ ಆದರೂ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಎಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಸಲಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರದು ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೂ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಹೆಸರು ತಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಆಗಲಿ ಯುವಕರು ಆಗಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಗಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದು ಹೇಳಲ್ಲ ಈ ಪರ ಎರಡು ಮೂರು ಬಿದನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೈ ಬೋಟಿಂಗ್ ಬಾತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಿಗೆ ಬೋಲ್ತಾ ಹೂ ಬಿದರ್ ಗೆ ಲಿಯೆ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ದಿಯೆ ಉನ್ಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಬಿದರ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಗರೀಬೋ ಕೆ ಲಿಯೆ 500 ಬೆಡ್ ಕಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜೋ ಪ್ರಿಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೈ 500 ಬೆಡ್ ಕಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಿಯೆ ಉಸ್ಕೊ 150 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ದಿಯೆ ಔರ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಮೇ 100 ಬೆಡ್ ಕಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಸ್ಕೊ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ 40 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ದಿಯೆ ಔರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈ ದೋ ದಿನ ಪಹಲೆ ಮೈ ಔರ್ ಅರವಿಂದರ್ ಲಿ इंजीनियरिंग कॉलेज को जाके विजिट करके उसको कम से कम 75 करोड़ रुपए से इंजीनियरिंग कॉलेज इसी गणेश मैदान में मेरा बाय इलेक्शन था यहाँ पे वादा करे थे कि इस बार रहीम को मदद करो बिदर वालों के लिए धर्म सिंह जी ने मेडिकल कॉलेज दिए और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज जो कमल के जो वादा किए वो पक्का किए इस तरह से बहुत से और पिछले बार मुझे वेरोस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाए थे मैं बिदर को 80 करोड़ रुपीज बिदर को दिया हूँ गोदाम बनाने के लिए वेजिटेबल मार्केट शिफ्ट किया हूं तो ऐसे बहुत से चीजें सुमार केस वर्ष मत हद वर्ष सल एम एल आगे बिदर तो हिस्ट्री बिदर तो इतिहास है बिदर पार्टी कोई पार्टी वाला कोई भी एम एल ए डबल रिपीट नहीं हुआ सर सिद्दरामय्या साहेबरे बिदर तो हिस्ट्री यार डबल एम एल ए रिपीट आगे पार्टी पक्ष ಆದರೆ ನನಗೆ ಬಿದರ್ ಜನ ಮೂರು ಸಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾನು 40,000 ವೋಟ್ 50,000 ವೋಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 75,000 ವೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಿದರ್ನಲ್ಲಿ 75,000 ಯಾರು ವೋಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೈ ಸಿರ್ಫ್ ಜನತಾಕ್ಕೆ ದಿಲ್ ಪೆ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾ ಆಪ್ಕೆ ದಿಲ್ ಮೇ ಹೋ ಜಬ್ ತಕ್ ಆಪ್ಕೆ ದಿಲ್ ಮೇ ಹೋ दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती और आपको तो मालूम है लोग मुझे क्या क्या आरोप लगाते हैं क्योंकि अगर आरोप नहीं लगाए तो उनको नजदीक भी आने नहीं देते गेट आउट बोलकर भगा देते यहां से मेरी शिकायत मेरे बारे में बुरा भला उनको बोलना नहीं चाहिए जब तक महात्मा को लोग नहीं छोड़े तो मुझे क्या छोड़ेंगे यहाँ पे लोग बसवाना जी को नहीं छोड़े लोग शिवाजी महाराज के बारे में क्या की बोलते बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्या की बोलते आजकल पैसे देके लोग क्या बड़े बोलने लगाते हैं लेकिन जनता के एक एक दिल में एक एक खून के खतरे में मैं हूं उनका काम किया हूं और मेरे कष्ट के दिन आने वाले हैं दो महीने के बाद मैं बहुत कष्ट में आने वाला हूं हर टाइम मुझे आप लोग साथ दिए हैं हर टाइम मेरे को मदद की है बुरे टाइम मेरा हाथ पकड़े हैं आप लोग और इस बार भी मेरा हाथ पकड़ना बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं लास्ट टाइम ईश्वर जी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर थे यहां पे तो मुझे 100 करोड़ रुपए दिए 100 करोड़ रुपए सीधा डेवलपमेंट के लिए बिदर में बहुत से चीजें डेवलपमेंट है रोड हर डिपार्टमेंट में हेल्थ डिपार्टमेंट 250 करोड़ का काम किया हूं बड़े हेल्थ डिपार्टमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में 200 करोड़ का काम किया हूं इस तरह से रोड और डेन पीडब्ल्यूडी में 200 करोड़ का काम किया हूं म्युनिसिपैलिटी में कम से कम 200 करोड़ का काम किया हूं इस तरह से अलग अलग स्कीम में 20 डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट में काम किया काम तो करते रहेंगे अलग बात है लेकिन मैं जब से हूं अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं है कोई जात पात में भेदभाव नहीं रहा बिदर की हिस्ट्री
मैं तो हर बार छोटे मोटे झगड़े या लोग करते हैं, डालने वाले भी डालते हैं, मैं कभी कोई जात पात नहीं किया, कभी अमीर गरीब के वास्ते नीच ऊंच कभी नहीं किया। बिदर में 15 साल से कोई भी एक दूसरे को ऐसा उंगली नहीं उठाता। बिदर से गुंडाइज्म को खत्म कर दिया हूं, बदमाश लोगों को खत्म कर दिया हूं। हर लोग, हर फ्रीडम, हर महिला, आप लोग हमेशा मेरा साथ दिए हैं। मैं आप लोगों को हाथ विनती करता हूं, ईश्वर जी का, एमपी पाटिल सर का, हमारे अध्यक्ष जी का, अरली जी का, खेनी साहब का, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, माफी चाहता हूं। सभी लोग मेरे सामने हैं, लेकिन सिद्धरामैया जी थोड़े दिन हुआ, 15 दिन या 1 महीने भर से कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं, और वो भी बदमाशी 8-15 दिन में खत्म हो जाएगी, जरूर खत्म होगी। जब तक आपका साथ है, मुझे यहां से कोई भी ऐसा उंगली उठा नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए आजकल कुछ टीवी मीडिया वाले, कुछ यूट्यूब वाले बड़े बड़े महात्मा को नहीं छोड़े, बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़े, मेरे बारे में कुछ गलत सलाह डालते हैं। उनको भी एक दिन मेरे बारे में समझ में आएगी कि सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है। अरे अच्छा करे तो अच्छा नहीं हो रहा, बुरा करके तुम अच्छा कैसा सोच सकते लोग। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे दुआ भी करिए, मदद भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद।